अस्सलाम वालेकुम, एडवाइज एसोसिएट्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता यूसुफ। एडवाइज एसोसिएट्स एक ऐसा इदारा है कि जिस पर ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी आंखें बंद करके एतबार करते हैं। हमारे कुछ ऐसे कस्टमर्स भी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे ऑफिस का विजिट नहीं किया, बल्कि फ़ोन पर ही सेल्स एंड परचेज का काम वो कर चुके हैं। फ़ोन पर तो आप हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से बात करते ही रहते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज आपको अपनी टीम से मिलवाया जाए और आपको विजिट करवाया जाए अपने ऑफिस का। तो आइए मिलवाती हूँ आपको अपनी टीम से। जैसा कि आप जानते हैं कि एडवाइस एसोसिएट्स पे ऑनलाइन सेल्स एंड परचेस का काम किया जाता है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी को डील किया जाता है, और इतने बड़े एरिया को कवर करना किसी एक बंदे का काम तो है ही नहीं, इसके लिए एक पूरी टीम दरकार होती है। आपको अपनी टीम से मिलवाते हैं। तो जनाब, सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने पहले टीम मेंबर की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं वकास। अस्सलाम वालेकुम वकास। वालेकुम सलाम। अच्छा वकास, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आप किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। मैं सफारी वैली, बहरिया ग्रीन और कैपिटल स्मार्ट सिटी और 2017 मल्टी गार्डन को डील करता हूँ। हमारी टीम है, हम टीम वर्क के साथ फेज 8 में सफारी वैली और बहरिया ग्रीन को डील करते हैं। मेरा नाम अदील शकूर है और मैं एडवाइज एसोसिएट के बहरिया इनक्लेव ऑफिस को 4 साल से डील कर रहा हूँ। हमारी कोशिश हमेशा से ये रही है कि हम अपने क्लाइंट्स को भरपूर सर्विसेज दे सकें, और इसमें ख़ास तौर पे हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं और उनको जो है वो पिक्चर इतनी क्लियर नहीं होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह एडवाइज एसोसिएट पिछले 22 साल से अपने ओवरसीज़ क्लाइंट्स को और अपने हम वतनों को बेहतर से बेहतर सर्विसेज फराहम कर रही है। आप मुझसे राबता करें और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपको बेहतर से बेहतर सर्विसेज फराहम कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियां मोहम्मद वलीद है। मैं पिछले 6 साल से एडवाइस एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से गुलबर्ग इस्लामाबाद को डील कर रहा हूँ। गुलबर्ग इस्लामाबाद जो कि एक्सप्रेस वे के बिल्कुल साथ ही मौजूद है, और यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट्स या फार्म हाउसेज या रेजिडेंशियल प्लॉट्स खरीदने हों या सेल करने हों तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको गाइड करके हमें बहुत खुशी होगी। मेरा नाम सी नकाश है और पिछले 4 साल से मैं बैरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन और आर्चर्ड को डील कर रहा हूँ। बैरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन में अभी जो नई डेवलपमेंट आई है, बैरिया टाउन की तरफ से डेवलपमेंट चार्जेस लेना शुरू कर दिए उन्होंने और कहा कि हम इसको पोजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, और इस पे काफ़ी हद तक जो है ना काम शुरू हो चुका है। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं अदनान साहब जो बहरिया टाउन में कमर्शियल प्लॉट्स और अवामी विलास को डील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान तारिक है। बहरिया टाउन में कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे लेना चाह रहे हैं या रेंट पे आप देना चाह रहे हैं तो मुझसे रब्ता करें। हमारे साथ मौजूद हैं अवैस जो कि फेज 8 को डील करते हैं। अवैस बताइएगा इस बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, मैं बहरिया टाउन फेज 8 में तकरीबन 9 साल से काम कर रहा हूँ। बहरिया टाउन के ऑल ओवर प्रोजेक्ट और इसके अलावा ब्लूवर सिटी में भी मैं काम कर रहा हूँ, ब्लूवर सिटी, पार्क व्यू सिटी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 लोगों की टीम है जो इस टाइम हम क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे साथ क्लाइंट्स हैं उनको हमसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो हमारे साथ फ्यूचर में भी वो काम कर रहे हैं। रिजवान शाह हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जान लेते हैं कि ये किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। अस्सलाम मैम। रिजवान साहब बताइएगा आप किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। मैं बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन को डील करता हूँ। इसमें टोटल 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 नाल के प्लॉट्स हैं। सेमी डेवलप एरिया होने की वजह से यहाँ पे हमें काफ़ी वर्किंग और मेहनत करनी पड़ती है अपने क्लाइंट्स को प्लॉट बेचने के लिए। बढ़ते हैं अपने फीमेल स्टाफ की तरफ। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं अस्मा। बड़ी ही मल्टी टैलेंटेड लड़की हैं और हमारी जो वीडियोस आप देखते हैं उनके पीछे भी यही होती हैं, इसके साथ साथ सेल्स एंड परचेज का काम भी ये कर रही हैं। थैंक यू सो मच शाइस्ता। मेहनत और लगन के साथ जिस भी फील्ड में काम किया जाए तो उसमें आपको ज़रूर अच्छा रिजल्ट मिलता है, कामयाबी मिलती है। और एडवाइस एसोसिएट की खास बात यह है कि यहाँ की पूरी टीम बहुत ही कोऑपरेटिव है, खास तौर पे जो हमारे टीम लीडर हैं हबीब इलाही साहब, इनकी वजह से एक तो सीखने को बहुत कुछ मिला है। नया एक मेरे लिए एक नई फील्ड है बिल्कुल, प्रॉपर्टी का काम इसे कब मैंने नहीं किया था लेकिन अभी मैं कर रही हूँ, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और अच्छा लगता है जब हम एक डिफरेंट फील्ड में जाके काम करते हैं और लोगों से डील कर रहे हैं। मेरे जो जर्नलिज्म का करियर था उसका मुझे इधर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, ये कि पब्लिक डीलिंग और इन चीज़ों में काफ़ी आसानी होती है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि प्रॉपर्टी कोई आसान काम नहीं है, लेकिन मेहनत और लगन के साथ आप करते हैं तो कोई भी मुश्किल आपके लिए आसान हो जाती है।
थैंक यू सो मच अस्मा। इतनी बड़ी टीम को मैनेज करने के लिए यकीनन एचआर की जरूरत होती है और हमारे साथ मौजूद हैं एचआर मैनेजर हुमा। अब वैसे तो सारे टैलेंटेड लोग आपने अपनी टीम में रख लिए हैं, ये कहिएगा कि सेल्स एंड परचेज में अगर कोई आना चाहता है, इस करियर को ज्वाइन करना चाहता है, तो आप क्या कहेंगी उनके लिए? अस्सलाम वालेकुम। शाइस्ता, हमारे पास माशाल्लाह से बहुत एक्सपीरियंस्ड टीम है, वेल डिसिप्लिन है, ऑफिस मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, तो एडवाइस एसोसिएट कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स एंड मार्केटिंग में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो मेरे ख्याल से जो भी अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू में सेल्स एंड मार्केटिंग को देखना चाहता है, उसको इन्हांस करना चाहता है अपनी एबिलिटीज़ को, तो वो मस्ट ज्वाइन करें एडवाइस एसोसिएट्स को। यकीनन एडवाइस एसोसिएट्स एक बड़ा ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। थैंक यू सो मच हुमा फॉर योर टाइम। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक साहब, जो कि फेज एट एक्सटेंशन और गुलबर्ग दोनों को एट अ टाइम डील करते हैं, तो इन्हीं से जान लेते हैं। तारिक साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, ये कहिएगा कि एक पाँव आपका गुलबर्ग में और दूसरा फेज एट एक्सटेंशन में, तो मुश्किल नहीं हो जाता ये डील करना? बिल्कुल मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस सिलसिले में जितनी भी मोटिवेशन हमारी तरफ आती है वो सब क्लाइंट की तरफ से होती है। उन्होंने जितने इत्माद से हमें सब फराइज सौंपे होते हैं, उनको करने के लिए अगर इससे भी ज़्यादा एफर्ट देना पड़े तो मेरा ख्याल है कि उनका हक बनता है, हमें एफर्ट देने चाहिए। तो मेरे लिए ये बहुत प्लेजेंट जॉब होती है अगर मुझे गुलबर्ग के लिए या बहरिया के लिए एट ए टाइम दोनों काम करना पड़े, तो आई एम वेरी कम्फर्टेबल अबाउट दैट, आई हैव नो प्रॉब्लम। मेरा नाम है मोहम्मद शहजाद और मैं गुज़िश्ता 11 साल से एडवाइस एसोसिएट्स की टीम का हिस्सा हूँ। और मैं प्रोजेक्ट्स की अगर बात करूं तो स्पेशली गुलबर्ग ग्रीन्स और इसके अलावा जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं बहरिया टाउन के, उनको मैं स्पेशली डील करता हूं, और इसके साथ साथ बिलवर्ड सिटी है इसको मैं डील करता हूं। और अगर इससे पहले की बात करूं तो मैं जो फैसलाबाद में एडवाइस एसोसिएट्स का ऑफिस था उसको मैंने तकरीबन को गुज़िश्ता 7 साल जो है वो उसको रन किया है, और फैसलाबाद के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हमने एडवाइस एसोसिएट्स की टीम के साथ मिलकर काफ़ी काम किया है। तो अभी जो मेरी स्पेशलाइजेशन है सारी वो गुलबर्ग ग्रीन्स और बहरिया के जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं और इसके अलावा बिलूवर्ड सिटी में है। और अगर इसके मतलब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो आप एडवाइस एसोसिएट से रब्ता कर सकते हैं। जिन्होंने इतना बड़ा इदारा बनाया है तो आपको मिलवाते हैं इस कंपनी के फाउंडर से। हमारे साथ मौजूद हैं हबीब इलाही साहब। वैसे तो काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ इनके प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं कर ही चुकी हूँ, लेकिन आज हम इनसे बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एडवाइस एसोसिएट्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम हबीब साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एडवाइस एसोसिएट्स बनाने का ख्याल आखिर कैसे आया, ये कहानी शुरू कहाँ से हुई, ज़रा इस बारे में बताइएगा। एडवाइस जो है इसका आगाज मैंने तकरीबन 2000 के करीब फैसलाबाद से किया था। असल में एडवाइस इससे पहले मैंने एक मैगज़ीन निकाला था एडवाइस के नाम से, तकरीबन ये 90 के करीब ये मैंने इसको शुरू किया था। तो 10 साल के बाद फिर मैंने इसको तो तकरीबन छोड़ दिया, वाइंड अप कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर मैंने रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने का सोचा, तो उसके लिए फिर मैंने वही जो था एडवाइस नाम उसी को पसंद किया, और इसी के ऊपर तकरीबन 2000 में फैसलाबाद में ये काम का मैंने आगाज़ किया रियल एस्टेट सेक्टर। अच्छा, जो नए लोग होते हैं उनको ट्रेन करने में कितना टाइम दरकार होता है? देखें जी, शुरू से ही ज़ाहिर है कोई भी काम जब हम करते हैं तो अकेला बंदा काम नहीं कर सकता, तो उसके लिए ज़रूरी होती है कि आपके पास टीम हो। तो जैसे ही मैंने काम शुरू किया तो साथ लोगों को भी शामिल करना शुरू किया, तो एक तो मैंने ये कोशिश की कि जो बिल्कुल नौजवान हैं उनको इस फील्ड में लाया जाए, ताकि उनका जो एक जज्बा होता है, जो शौक़ होता है, तो उससे इसमें ज़्यादा बेहतरी लाई जा सकती है काम में। तो मैं काफ़ी लोग जो आहिस्ता आहिस्ता मेरी टीम का हिस्सा बने, कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं और उनमें ज़्यादा इस चीज़ की होती है कि वो सीखने का अमल जल्दी सीख जाते हैं, तो कुछ लोग बहुत जल्दी सीख जाते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा टाइम भी ले जाते हैं। इसमें कई ऐसे लोग भी थे जिन्हों महीनों में सीख गए और महीनों के बाद ही अच्छे सेलमैन बन गए, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको कुछ साल भी लग गए अच्छी सेल के लिए या अच्छा एक मेंबर बनने के लिए। जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं तो क्या मैसेज देंगे आप उनको? देखें, इससे पहले मैंने खुद कई फील्ड में काम किया है, बहुत सी फील्ड में काम करने के बाद मैंने जब ये नतीजा निकाला कि इस रियल स्टेट सेक्टर से अच्छा कोई सेक्टर नहीं है, इसकी सबसे बड़ी ये खूबी है कि आप इसमें बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के इसमें आ सकते हैं। कोई और ऐसा काम नहीं है जिसमें आप पैसे के बगैर आके काम करें और इतना ज़्यादा अच्छा कमा सकें। तो अगर कोई भी आप काम करते हैं तो उसके लिए आपको कारोबार के लिए पैसा चाहिए, इसके लिए आपको पैसा नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको पसंद किया, और अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह का शुक्र है कि ये मेरा फैसला सही साबित हुआ। ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्या कहना चाहिए? जी, ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत बेहतर तरीके से उनको वहाँ पे बैठे हुए वो तमाम मालूमात हम उनको उनसे शेयर करते हैं जो मालूमात शायद पहले उनके पास नहीं उनको मिलती थी। और उसमें प्राइस क्या है, वहाँ पे सराउंडिंग में प्राइस क्या चल रही है और सोसाइटी की मुकम्मल मालूमात और डेली अपडेट प्राइस देते हैं हम, कल क्या प्राइस थी, आज क्या प्राइस है, सेल परचेज जो प्लॉट हो रहे हैं उनके नंबर हम देते हैं। कोई भी मालूमात को हम हिडन नहीं रखते, हर जो भी मालूमात किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में चाहिए होती है हम ऑनलाइन बताते हैं। हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारे कस्टमर हैं या वो लोग जो हमें हमारी यूट्यूब चैनल के जरिए हमें देखते हैं, हमारी वेबसाइट के जरिए हमसे रबते में रहते हैं, हमारे चैट रूम के जरिए हमसे रबते में रहते हैं, तो हम इनको बेहतरीन जो अच्छी से अच्छी मालूमात हो सकती हैं, जो जामे मालूमात होती हैं वो इनको मुहैया करते हैं और तवक्कुल रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला जो लोग हमारे साथ अभी तक हमारे कस्टमर नहीं बने वो हमसे चीज़ खरीदेंगे और फ्यूचर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको हमने बहुत फ़ायदा दिया है, अल्लाह के फजल से जो लोग और जुड़ेंगे वो भी इंशाल्लाह ताला फ़ायदा हासिल करेंगे। एडवाइज एसोसिएट के एक सेपरेट और डिफरेंट डिपार्टमेंट में हम आए हैं जिसको हेड कर रहे हैं दिलावर जावेद, उन्हीं से जानते हैं कि इनके डिपार्टमेंट की स्पेशलिटी क्या है, ये डिपार्टमेंट किस तरह से काम करता है। जी दिलावर। थैंक यू शाइस्ता, आप बिल्कुल यहाँ पे आए हैं, आपने ऊपर भी ऑफिस देखा होगा। ये जो हमारा ऑफिस एडवाइज एसोसिएट का है इसको डी टू डी ऑफिस कहते हैं, लाइक डीलर टू डीलर जो ऑफिस जितना भी काम होता है सेल्स का वो इस ऑफिस में देखा जाता है। हमारे वो क्लाइंट जो गर्व वगैरह बनाना चाहते हैं या इस तरह की जो उसको हम ऊपर ऑफिस में देखते हैं, लेकिन इस ऑफिस में अपने तमाम इन्वेस्टर्स को डील करते हैं। डीलर टू डीलर और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जितनी भी हमारे पास होती हैं वो हम इस ऑफिस में सब लोगों को देखते हैं। सबसे जो सीनियर मेरे टीम मेंबर में है, बाकी तमाम बिजनेस की तरह रियल एस्टेट में भी डिमांड और सप्लाई को देखा जाता है। अगर हम डिमांड की बात करें रियल एस्टेट में तो मेरे पास सबसे सीनियर जो हमारी डिमांड को पूरा करते हैं मार्केट से तो फैल तारिक साहब हैं, हमारी जितनी भी डिमांड्स आती हैं उनको ये देखते हैं। एडवाइज एसोसिएट की ये सोशल मीडिया टीम है, फीडबैक मौसूल करती हैं मिस निलोफर, और मजीद भी टीम का तारुफ मैं आपसे करवाती हूं। सोशल मीडिया मार्केटिंग को देखते हैं, इनसे जानते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद अब्बास है और तकरीबन पीछे 7 से 8 साल से मैं एडवाइज एसोसिएट का हिस्सा हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि एडवाइस एसोसिएट पायनियर है अपने ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करने में, तो एज ए सोशल मीडिया मैनेजर और चैट कोऑर्डिनेटर मेरी जो सर्विसेज हैं वो लाइव चैट रूम पे मैं अवेलेबल होता हूँ। पिछले 7 साल से हेल्प डेस्क पे ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा हूँ। आप जब भी advice.pk पे आएंगे मैं आपको वेलकम करूँगा। तो ये था एडवाइस एसोसिएट का दफ्तर और यहाँ की टीम से आपको मैंने मिलवाया। अगर आप किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी सेल या परचेज करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर दिए गए नंबर्स पर हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से रब्ता कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह नेगेबान।